असगर वजाहत कौन है और क्या हैं ये आप आपसे अगर मैं हम हम पूछे आप किस तरह से देखते हैं देखिए ये सवाल पहले भी मुझसे पूछा गया है तो मेरा जवाब यही रहा और शायद आज भी यही हो कि एक भटकती हुई आत्मा एक ऐसा आदमी जिसको कहीं भी संतोष नहीं है कहीं भी कोई चैन नहीं है कभी कुछ करने की कोशिश कभी कुछ करने की कोशिश लेकिन ये सिर्फ़ कोशिशें हैं उससे कुछ निकलता नहीं कुछ निकला नहीं तो यात्राएं भी इसी संदर्भ में और लेखन भी इसी संदर्भ में और अपने लिखे को अस्वीकार करना भी इसी संदर्भ में कि जो लिखा है वो किसी और तरीके से लिखा जाए जो किया है वो किसी और तरीके से किया जाए ये कोशिश जो है वो लगातार बनी रही है और वो अभी भी कई मानों में है कि जो हो रहा है जो कर रहे हैं उससे असहमति उससे असंतोष उससे पूरी तरह सहमत ना होना तो ये कह सकते हैं आपके एक ऐसा व्यक्ति जो रचना के माध्यम से तरह तरह की रचनाओं के माध्यम से अपने असंतोष को व्यक्त करता है अब कवालिया हम लोग सुनते हैं तो उसमें एक बड़ी सुंदर लाइन है कि कुछ रिल नहीं देता कि तुम कौन हो क्या हो तो तमाम सारे बिंब हैं लेकिन उन बिंबों के ऊपर हम चर्चा करें इससे पहले हम चाहते हैं कि आ, आप अपने आज के श्रोताओं से जो बातें कहना चाहते हैं और कुछ रूपक भी हमें ज़रूर सुनाए क्योंकि असगर साहब की वॉल पे जाइए फेसबुक की तो तमाम छोटी छोटी सुक्तियां तमाम छोटे छोटे कहानियाँ चार पंक्तियों में तीन पंक्तियों में और वो बातें वो कथाएँ वो कहानियाँ बहुत सारी बातें कह दे कह देती हैं हम लोग जो कविता में महसूस करते हैं कि एक लंबी कथा को एक पन्ने दो पन्ने में उतार देना कुछ बारह सोलह पंक्तियों में उतार देना उस तरह का प्रोज उस तरह की कहानियाँ छोटी छुट, छोटी हम लोग तो कुछ अपनी बातें जो आप रखना चाह रहे थे वो आप रखें ठीक देखिए जहाँ तक कहानी लेखन का सवाल है मैं ये मान चुका हूँ लगभग बीस साल पहले के मैंने कहानी लिखना छोड़ दिया कहानी अब मैं नहीं लिखता और ये लगा कि कहानी से ज़्यादा बड़ा जीवन है और जीवन के वो प्रसंग हैं जो हमसे आपसे जुड़े हुए हैं उनको कहानी बनाना और कहानी बना के सामने रखना इसका कोई मतलब नहीं तो शुरू किए अलग अलग तरह से कहानी लिखने के कहानी लिखने के लिए अलग तरीक़ों का जोखिम उठाना और ये शुरू हुआ पिछले पिछली इमरजेंसी से पिछली इमरजेंसी के दौरान कुछ ऐसी कहानियाँ लिखीं कि जो प्रतीकों में बिंबों में उस समय की समस्याओं को यथार्थ को जीवन को सामने लाती थी फिर ये सिलसिला कुछ और आगे बढ़ा और सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो संवादों में अपनी बात को कह दिया जाए अब उसको आप कहानी माने या न माने ये आपके ऊपर निर्भर करता है